तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में ये लिखा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इस एबीडी है एक राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए और एसी इज परपेंडिकुलर टू बीडी, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, सिर्फ उसमें ये था कि राइट ट्रायंगल आप ऐसे बनाते थे ऊपर की ओर, यहां पे राइट एंगल यहां पे है वहां पे ऊपर की ओर है, तो आपको ये चीज प्रूव करने क्यों खुद लिखोगे। अब जो देखो पहला ए बी स्क्वायर कब होगा, ए बी स्क्वायर होगा अगर आप ए बी आता है एक तो इस ट्राइंगल में, ध्यान से देखोगे क्या करना है, एक तो इस ट्राइंगल में ए बी और पूरे में भी ए बी, तो तुम्हें क्या करना है एक इस बड़े ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना होगा, बिल्कुल अभी की तरह, ये तीसरी चौथी बार सेम तरीका कर रहे हैं। सो बड़े का ये और छोटे का ये बराबर है, बड़े का ये और छोटे का ये कॉमन है, तो हो गया ना ये सिमिलर हो गया, तो फिर ए बी बाई बी सी इक्वल, अब तुम्हें ए बी स्क्वायर बोलना है, ए बी स्क्वायर इन दो से आएगा, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई, दूसरी बार ए सी स्क्वायर आना चाहिए, अभी ए सी स्क्वायर को रहने दो, पहले ये पार्ट करते हैं ए डी स्क्वायर वाला, तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ये ए डी स्क्वायर के लिए एक तो ये ट्राइंगल होना चाहिए उसमें ए डी है और फिर पूरा ट्राइंगल उसमें भी ए डी है, तो ए डी स्क्वायर तभी आएगा दो बारी, बिल्कुल इसी की तरह। इसलिए आप ट्राइंगल बड़े का नाम ऐसे ही लोगे जैसे अभी लिया ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल दूसरा ये जो मर्जी है, जैसे अभी तो हमें पता ही नहीं इक्वल पार्ट्स का, ए डी सी इसको ले, फिर बाद में आप देखेंगे जब आप इस तरह से इक्वल पार्ट्स बोलोगे तब ढंग से नाम यहां पे होना चाहिए, यहां पे जरूरी नहीं है क्योंकि यहां पे बोलते हैं इन ट्राइंगलों में, हमने थोड़ी सिमिलर बोला। अब ट्राइंगल है इसका, इस वाले ट्राइंगल का कौन सा एंगल, बड़े का एंगल ए यानी एंगल बी ए डी बड़े का इज इक्वल छोटे का एंगल टू के बराबर, इस वाले ट्राइंगल के एंगल टू ईच 90 खुद ही लिखोगे, एंगल डी दोनों में कॉमन है ये भी खुद लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू, ये इसका नाम सेम रखना उससे दूसरे का नाम भी ऑर्डर में आ जाएगा, ए बी डी इज सिमिलर टू, अब जहां पे बड़े का ए है वहां पे छोटे का सी है, जहां पे दोनों डी सेम जगह पे आने चाहिए क्योंकि बड़े का भी डी इक्वल है और छोटे का भी डी ही इक्वल है, तो डी की जगह पे डी, बड़े का डी लास्ट में छोटे का भी लास्ट में आना चाहिए, अब आ गया सी डी तो बचा क्या ए, वो बीच में लगाओ ए बी डिवाइड बाय सी ए स्क्वायर, सी ए इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय ए डी पहला और आखिरी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय सी डी, अब ए डी स्क्वायर आना चाहिए तो इन दो को पुट करोगे, देखना ए डी स्क्वायर इज इक्वल सी डी इंटू बी डी, वही तो प्रूव करना था, सी डी इंटू बी डी, सी डी इंटू बी नहीं ये है सी डी इंटू बी डी ए डी स्क्वायर, ये तो पहले आपने थर्ड प्रूव करोगे, ये थर्ड है यहां से, फिर अब देखो ये भी सिमिलर है यहां पे भी ए बी डी यहां पे, फिर ये दो भी सिमिलर हुए ना, मतलब ये दो छोटे, फिर उनसे ये निकालो ए डी स्क्वायर, क्योंकि इन्हीं दो ये तो वो तो अभी पिछले क्वेश्चन में किया आप लोगों ने, इसलिए ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, तो अगर डाउट रहे इसमें मेरे को लिखोगे चेक करने के लिए, अगर किसी बच्चे को लगता है मेरा पता नहीं ठीक है नहीं है।